This is part B of lecture number two. Take out your dockets, open page number five, write date and CW at the top of the page. Questions and answers. Question number four. Which was the third biggest industrial country? Students, 19th century may third biggest industrial country thi? The United States was the third biggest industrial country. आफ्टर ब्रिटेन एंड जर्मनी नाइनटीन सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री थी ब्रिटेन और जर्मनी के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ द यूनाइटेड स्टेट वॉज डिवेलपिंग इन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड में यूनाइटेड स्टेट्स किस तरह तरक्की कर रहा था द यूनाइटेड स्टेट्स हैड बिकम थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री एंड इट्स पॉपुलेशन हेड सोड फ्राम फोर मिलियन इन एटीन हंड्रेड टू सेवेंटी फाइव मिलियन इन नाइनटीन हंड्रेड यूनाइट स्टेट्स थर्ड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका था और उसकी पॉपुलेशन चूके एटीन हंड्रेड में सिर्फ फोर मिलियन थी नाइनटीन हंड्रेड तक सेवनटी फाइव मिलियन तक हो चुकी थी लार्जली बिकॉज ऑफ़ यूरोपियन इमिग्रेंट्स और ये किस वजह से था क्योंकि यूरोप से बहुत सारे लोग हिजरत करके यहाँ रहने लगे थे मोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका वॉज मोर और लेस अंडर अमेरिकन इन्फ्लुंस सेंट्रल अमेरिका भी तकरीबन पूरा अमेरिका के जेर असर था बिकॉज द यूनाइट स्टेट्स कंट्रोल्ड ऑल ऑफ इट्स प्रोड्यूस क्योंकि यूनाइट स्टेट्स उसकी तमाम प्रोडक्शन पर कंट्रोल रखता था एट दिस टाइम द पॉलिस ऑफ़ द अमेरिकन गवर्नमेंट वॉस टू हैव एज लिटल कॉन्टेक्ट विद द नेशंस आउटसाइड ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनें एज पॉसिबल और उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो बाकी नेशन से कम से कम ताल्लुक रखते थे एक्सेप्ट फॉर ट्रेडिंग परपज सिवाय तजारती ताल्लुक के राइट स्टूडेंट्स नाव इट्स टाइम फॉर होम वर्क Take out your AR and write down the diary. Lesson number one The world in 1900. Learn and write question number four and five three times in your AR. So, do it very well. That's all for today. Allah Hafiz and thank you.